गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चॉकलेट सिरप बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए 2 कप हमें वाटर चाहिए, 2 कप पानी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 4 टेबलस्पून शुगर। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर में मैं 2 कप ऑफ वाटर मैंने डाल दिए और अब मैं इसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये देखें, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, ये अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा कोको पाउडर। तो हम इसको पैन में डाल देंगे। पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और अब मैं इसमें ये कोको पाउडर का मिक्सचर डाल दूंगी। फोर टेबलस्पून शुगर ऐड कर दूंगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको विस्क से चलाती रहूंगी, इसमें शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी अच्छे तरीके से और ये पानी जो है जब ये बॉईल हो जाएगा, ये जब ये सिरप जो है बॉईल हो जाएगा तो हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसमें जब बॉईल आ जाएगा, ये देखें इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है और 2 मिनट में जो है ये चॉकलेट सिरप तैयार हो गया है। ये चॉकलेट सिरप जो है ये देखिए ये बन चुका है। अब मैं इसको इस बाउल में डाल रही हूँ और मैं ठंडा करके आपको बॉटल में डाल के दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितना अच्छा चॉकलेट सिरप तैयार हुआ है। ये चॉकलेट सिरप देखें, ये चॉकलेट सिरप जो है ये अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसको प्लास्टिक की बॉटल में भर लूँगी। आप भी इसी तरह से चॉकलेट सिरप बना के रख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी ऐसे डिशेस सिखाऊँगी जिसमें मैं चॉकलेट सिरप का और चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल करूँगी। तो आप भी इसी तरह से ख़ुद से घर पर बनाइए और ये आपके बजट में भी होगी, बहुत चीप प्राइस में बनती है। वरना बाज़ार से जो आप इस तरह की सॉस बनी हुई लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, या सिरप लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये देखिए, मैं हाथ धोऊँ, ये देखिए ये चॉकलेट सिरप कुछ इस तरीके से है, ये देखें। और ये चॉकलेट सिरप जो है वो मैंने इस बॉटल में भर लिया है, आप भी इसी तरह से भर के। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं उसमें मैंने 2 कप आपको पानी चाहिए, 4 टेबलस्पून खुश्क दूध, 4 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून बटर। सबसे पहले पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है। फोर टेबलस्पून के करीब शुगर डाल दूंगी, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और मैं इसका शुगर सिरप तैयार कर लूँगी, तब तक पकाऊँगी जब तक ये अंदर शुगर अच्छे से घुल नहीं जाती। ये देखिए शुगर जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखें कोको पाउडर इसमें मिक्स हो चुका है और मैंने इसको 2 मिनट तक के लिए पका लिया है। अब मैं इसमें ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए अब ये चॉकलेट सॉस जो है वो थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो बटर डाल दूंगी और बटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए ये सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए आप विस्क को इस तरह से देखें, ये इसमें जो ड्रॉप हैं वो नीचे नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि अब जो है वो सॉस मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है।
चॉकलेट सॉस जो है ये देखें ये तैयार हो चुकी है, और इसकी ये कंसिस्टेंसी आप चेक करें ज़रा। रख लीजिए और चॉकलेट सॉस देखिए आप ज़रा कि चॉकलेट सॉस जो है ये कितनी थिक होती है, ये देखें ये किस तरह थिक है और ये कितनी शाइनी है। अभी ये ठंडी होकर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।